आप खान साहब से मिलने भी जा रहे हैं तो क्या आज आप तमाम तर चीजें खान साहब के साथ क्लियर करने जा रहे हैं कि भाई बताएं मुझे कि मेरा क्या इस वक्त स्टेटस है और तमाम तर चीजों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आपने कुछ ट्वीट किया था कि असल चीज ये ना कि मैं ये अमित खान वगैरह किस चीज पे बात कर रहे हैं। अमित खान बोल रहे कि जी मैं रिकॉग्नाइज कर नहीं करता हूँ। भाई आप कौन है रिकॉग्नाइज करने वाले? किसी ने आपसे सर्टिफिकेट मांगा था? अमित खान वो ये जैनी बीमार लोग हैं, समझ गए ना, उम्र है, बानी मेंबरान में शामिल बानी में के बकावे करीब है। वो क्या है खान साहब के करीब है? काफी करीब है, दोस्त हैं उनके खान के करीब। ऐसे बयान क्यों दे? देखो जी ये अब मुतनाज़ा बयानात मुझसे न दिलवाएं, ठीक है, लेकिन इन लोगों ने मेरे खिलाफ बयान दिए, अभी तक खान से मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं वाजे कर दूँ कि जो मेरे खिलाफ ज़ाती हैसियत में बदनीयती पर मबनी कोई बयान देगा तो ये पार्टी एक तरफ रहेगी, वो और हम अपनी ज़ात में एक बयान देंगे, चाहे ये जिस ये आमिर खान हो और या दूसरा रऊफ हसन हो, एक बयान देंगे। मैं वादा करता हूँ कि 10 बयान इनके मुंह पे मारूंगा। अच्छा। भाई तुम बाबे कहाँ, तुम्हें पता है ये बैरिस्टर गौर साहब की मौजूदगी में, अली जफर की मौजूदगी में, पंजोता साहब और ये जो हमारे दीगर वकला साहिबान खसूसन उमेर नियाज़ी की मौजूदगी में हफ्ते में 2 दफ़ा तो हमारी मुलाकात होती है, तो लिहाजा इस बाबे की ये इस बात से कोई तुक बनती है? अच्छा एक मिनट जी, तो किसके कहने पे आप लीड कर रहे थे? आमिर खान साहब ने तो कहा कि वक्ती तरफ से गए हैं। इस तरह ने इमरान खान साहब यही इख्तलाफात के बारे में सवाल किया कल, तो खान साहब ने कहा ऐसा कोई इख्तलाफ नहीं है, उन्होंने आपको फ्रंट फेस करा दिया। उनका कि शेर अफजल मरवत दबंग आदमी है, बहादुर भी, लेकिन छोटी मोटी बातें पार्टी में चलती रहती है, इस पर क्या कहें? देखिये मेरी इस्तेदा है, मैं तो इनको कहता हूँ ना, आप लोग खुद सोचे, आमिर खान और इन सब ने पहले कोशिश की कि मुझे केसों से साइडलाइन करें, रोज़ाना इधर मैं केसों में पेश होता था, मैंने कहा नाराज़गियाँ बढ़ती हैं, मैंने केसेज एक के बाद दीगर इनको छोड़ दिए कि चलें जी आप लोग खुश हो जाएं। अच्छा, सुने ना यार, एक जवाब तो मुकम्मल कर लो, मैं कन्वेंशनों में लग गया, जलसों जुलूसों में लग गया, अब वहाँ पर भी जब आपके साथ ना कोई सरोकार है ना कोई काम है, सिंध गया हुआ हूँ, वहाँ पर हम वर्कर का हौसला तोड़ने से बचाने के लिए उनको ये भी नहीं बताते हैं कि हम पे क्या क्या सहूबतें गुजर रही है। अगर हम उनको बताएं कि पुलिस आई है डंडे मार और फला जगह पे ये किया है, तो लोग कन्वेंशन में डर के मारे नहीं आते हैं। जिधर भी जाते थे, जहाँ पे हमने जलसा करना होता था, पुलिस ने ताले लगाए होते थे, सील किया होता था। मैं जिन हालात में सिंध में मैंने कन्वेंशन किए और आज सुबह में 6 बजे की फ़्लाइट से रवाना हुआ हूँ और फिर फ़ौरन ये यूनिफॉर्म पहन के अभी मैंने खान साहब के पास भी जाना है, लिहाजा बड़े दिगर गुं बड़े ही हॉस्टाइल हालात में हम पार्टी के को उठा रहे हैं। सिंध में आपको हैरत होगी कि सिंधी या सिंध के लोग और कराची के लोग जिस जज्बे से उठे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में महीना लगा और यहाँ पे 4-5 अयाम लगे, इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर जाऊंगा सिंध, जो इलाके रह गए हैं वहाँ पे भी कन्वेंशन करेंगे और मदारे कायद में एक बहुत बड़ा जलसा। आप खान साहब से मिलने भी जा रहे हैं तो क्या आज आप तमाम तर चीज़ें खान साहब के साथ क्लियर करने जा रहे हैं कि भाई बताएं मुझे कि मेरा क्या इस वक्त स्टेटस है और तमाम तर चीज़ों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आपने कुछ ट्वीट किया था? असल चीज़ ये ना कि मैं ये अमित खान वगैरह किस चीज़ पर बात कर रहे हैं? अमित खान बोल रहे कि जी मैं रिकॉग्नाइज कर नहीं करता हूँ। भाई आप कौन है रिकॉग्नाइज करने वाले? किसी ने आपसे सर्टिफिकेट मांगा था? आप कौन हैं, हैसियत क्या है कि पार्टी में आपकी क्या पोजीशन है? तो आप यानी अब इस बात से अगर ये बोलता है मीडिया पे तो लाजमन मैं इसका जवाब तो दूंगा। फिर वो रऊफ हसन जो है जो सेक्रेटरी इतलात हैं, वो क्या फालतू बोलता है कि जी वो मिलता भी है कि नहीं मिलता है, कम वक्त में किस तरह पता है? आप लोग देखते हैं मैं जब बाहर निकलता हूँ जेल से तो उमेर नियाज़ी हमेशा मेरे साथ होता है, पंजोता साहब मेरे साथ होते हैं, उनकी मौजूदगी में मैं ये कहता हूँ कि ये बयान हुआ ये बयान, ये सब हम झूठ बोल रहे हैं। और ये बदबख्त इंसान जो है जो कब्र में पाँव लटकाए बैठा है, तो लिहाजा ऐसे बयान दे के और ऐसी बातें करके, हाँ अलबत्ता आपने फिर देखा इन दोनों ने मेरे खिलाफ बयान दिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने किस अंदाज में इनको रिव्यू किया। देखिए मैं एक दफ़ा फिर वाजे कर दूं, इन सब के ताने बाने कोई ला रहा है उसको भी मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मज़ीद डिस्प्यूट में पड़ने से बचने के लिए आज खान साहब से मिलूँगा। मैं इन चीज़ों का आदी नहीं हूँ, यह साजिशों का, यह कंस्पिरेसीज़ का,
अगर खान साहब खुश हैं, एतमाद और एतकाद रखते हैं जिस तरह मैं समझता हूँ, हमेशा उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की है, तो फिर इन लोगों को या ये खामोश कर दें, और अगर खामोश नहीं करते हैं तो मैं तो जवाब देता रहूँगा। और इंशाल्लाह जिस तरह वर्क उन्होंने इनका तया पांचा किया, और आइंदा भी ये एक बात करेंगे, मैं इंशाल्लाह इनको 10 जवाब दिया। शेर अफजल मरवत साहब, इससे आपने भी कहा कि मैं जवाब देता रहूँगा, और इससे पहले भी बहुत सख्त किस्म के बयान दूसरी साइड से भी आते रहे हैं जो, और मुझे ये बताइएगा कि ये असल में ये झगड़ा कैसे शुरू हुए, ये बयान क्यों? सिर्फ इतना झगड़ा है कि वर्कर में मुझे कबूलियत हासिल है, इन सब को जेलसी हो रही है, बरना लगा लेना, बाकी कोई और मसला नहीं है। अमित खान और ये दूसरा रऊफ हसन के साथ मेरी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है। इनके पीछे जो लोग हैं, इनका ख्याल ये है कि ये जो शख्स हैं पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, इसको प्यार दे रहा है, मोहब्बत दे रहा है, कबूलियत है, इज़्ज़त दे रहा है, अब ये इंतजाम कमबख्त हो, अगर कुछ भी हो रहा है तो कम अज़ कम इनका फ़ायदा उठा के हम क्राउड तो जमा कर रहे हैं ना, तो पार्टी का काम हो रहा है। ये अमित खान हो और या दूसरा रऊफ हसन हो, एक बयान देंगे, मैं वादा करता हूं कि 10 बयान इनके मुंह पे मारूंगा। अच्छा। भाई तुम बाबे कहाँ, तुम्हें पता है ये बैरिस्टर गौर साहब की मौजूदगी में, अली जफर की मौजूदगी में, पंजोता साहब और ये जो हमारे दीगर वकला साहिबान खसूसन उमेर नियाजी की मौजूदगी में हफ्ते में 2 दफ़ा तो हमारी मुलाकात होती है, तो लिहाजा इस बाबे की ये इस बात से कोई तुक बनती है? अच्छा, एक मिनट जी, तो किसके कहने पे आप लीड कर रहे थे? अमित खान साहब ने तो कहा कि वक्ती तरफ से गए हैं। ने इमरान खान साहब यही इख्तलाफात के बारे में सवाल किया कल, तो खान साहब ने कहा ऐसा कोई इख्तलाफ नहीं है, उन्होंने आपको फ्रंट फेस करा दिया, उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत दबंग आदमी है, बहादुर भी, लेकिन छोटी मोटी बातें पार्टी में चलती रहती है, इस पर क्या कहें? देखिये मेरी इस्तेदा है, मैं तो इनको कहता हूँ ना, आप लोग खुद सोचे, अमित खान और इन सब ने पहले कोशिश की कि मुझे केसों से साइडलाइन करें, रोज़ाना इधर मैं केसों में पेश होता था, मैंने कहा नाराज़गियाँ बढ़ती हैं, मैंने केसेज एक के बाद दीगर इनको छोड़ दिए कि चलें जी आप लोग खुश हो जाएं। अच्छा, सुने ना यार, एक जवाब तो मुकम्मल कर लो, मैं कन्वेंशनों में लग गया, जलसों जुलूसों में लग गया, अब वहाँ पर भी जब आपके साथ ना कोई सरोकार है ना कोई काम है, सिंध गया हुआ हूँ, वहाँ पर हम वर्कर का हौसला तोड़ने से बचाने के लिए उनको ये भी नहीं बताते हैं कि हम पे क्या क्या सहूबतें गुजर रही है, अगर हम उनको बताएं कि पुलिस आई है डंडे मार और फला जगह पे ये किया है, तो लोग कन्वेंशन में डर के मारे नहीं आते हैं, जिधर भी जाते थे जहाँ पे हमने जलसा करना होता था पुलिस ने ताले लगाए होते थे, सील किया होता था। मैं जिन हालात में सिंध में मैंने कन्वेंशन किए, और आज सुबह में 6 बजे